तो स्पॉन हो चुके हैं। स्पॉन पे ब्लैक स्मिथ ये कब से होने लगा यार। तो जल्दी से चलते ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर एंड लूटते चेस्ट को। तो देखते ये रहा चेस्ट एंड आई होप भगवान अच्छी अच्छी लूटो। 1 2 3 एंड माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल कूल बॉयज। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग के लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट 1.20 के लिए बहुत ही ज्यादा ओपी लूट वाले सीड, जिसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत ही ज्यादा डायमंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड या बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो करते शुरू करने से पहले यार लाइक एंड सब्सक्राइब जोर से कर देना। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। फर्स्ट सीड में आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे एंड या स्पॉन के सामने आपको विलेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देखने को मिलेगा एक ब्लैक स्मिथ। एंड उस ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर जैसे ही आप जाओगे लिटरली यार आपको एक भी डायमंड नहीं मिलेगा। वो यार थोड़ा सा सब्र करो। आप ब्लैक स्मिथ के घर के पीछे जैसे इस घर में आप जैसे इंटर करोगे, यहाँ पे आपको 20 में डिक कर देना, आप कॉर्ड्स वगैरह नोट करते रहना। जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक स्ट्रॉन्ग होल। एंड इससे भी अगर आपका मन नहीं भरा तो थोड़ा सा ऊपर आने पे आपको मिल जाएगी एक माइन शाफ्ट। एंड या उसके बाद आपको विलेज से मेरी तरह स्ट्रेट चले जाना है एंड वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक और विलेज, जिसमें आपको एक ब्लैक स्मिथ देखने को मिल जाएगा, जिसकी लूट इतनी बढ़िया नहीं है। एंड आप जैसे विलेज में वापस आके वहाँ पे नेदर पोर्टल बनाओगे तो आप लोग सीधे स्पॉन हो जाओगे नेदर फोर्ट्रेस में। एंड इससे भी अगर आपका मन नहीं भरा तो नेदर फोर्ट्रेस के पास आप देख ही पा रहे होगे एक बेसन रेमिनेंट और इसमें एक चेस्ट है, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डायमंड पिकैक्स। सेकंड सीट को आप जैसे इंटर करोगे आप विलेज में स्पॉन हो जाओगे एंड वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा सा विलेज, जिसमें होगा एक ब्लैक स्मिथ एंड एक रुइंड पोर्टल। ब्लैक स्मिथ की लूट आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे बहुत ही ओपी लूट है। इस चेस्ट में आप देख सकते हो रुइंड पोर्टल की लूट इतनी कुछ खास नहीं है। रुइंड पोर्टल को आप जैसे एक्टिवेट करके नेदर में जाओगे वहाँ पे आप लोग यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। यहाँ से थोड़ा सा साइड में जाते ही आपको बेसन रेमिनेंट मिल जाएगा एंड पोर्टल के सामने गड्ढे में ही आपको मिल जाएगी फोर्ट्रेस। एंड वापस से आप जैसे विलेज में आओगे वहाँ पे आप जैसे विलेज से नीचे डिक करोगे वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बहुत ही बड़ी माइन शाफ्ट, जिसको आप लूटोगे तो आपको बहुत सारे डायमंड मिल जाएंगे। एंड माइन शाफ्ट के थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग होल, जिससे आप ड्रैगन को मार सकते हो। थर्ड सीड बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन सीड है। इसको आप जैसे इंटर करोगे आप वुडलैंड मेंशन के ऊपर स्पॉन हो जाओगे एंड वुडलैंड मेंशन से थोड़ा आगे आप जाओगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक विलेज। बहुत छोटा सा विलेज है, इतना कुछ खास नहीं है विलेज में। विलेज के पास एक रुइंड पोर्टल है जिसकी चेस्ट पता नहीं कहाँ पे। रुइंड पोर्टल से आप थोड़ा सा आगे जैसे आओगे वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बहुत ही बड़ा माउंटेन एंड उसके पास ही चेरी ब्लॉसम की बायोम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आप इसके इन कोऑर्डिनेट पे आप जैसे डिक करोगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एक स्ट्रॉन्ग होल, सबसे मेन यहीं पे। स्ट्रॉन्ग होल को जैसे आप लाइट अप करोगे एंड एंड में जाओगे आप लोग यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पिलर्स वगैरह है पर आइलैंड कहीं पे नहीं है। यहाँ पे ड्रैगन को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड अगर आप ड्रैगन को मार लेते हो तो इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा प्रो हो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने माइनक्राफ्ट दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड या डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक है उसको तो ज्वाइन जरूर से कर देना, बहुत ही कम मेंबर्स हैं। एंड इंस्टा तो आजकल सभी यूज़ करते ही है, ये तो बताने की भी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी फॉलो कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।